इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल। अगर आप भी खाना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि फूड डिलीवरी पार्टनर आपके पैसे ही लेकर भाग जाए। जी हाँ, ये सच है। अजमेर में सोमवार को एक ऐसा ही वाकया सामने आया जिसमें एक ग्राहक ने जब खाना ऑनलाइन फूड ऑर्डर कंपनी जोमेटो से ऑर्डर किया तो फूड डिलीवरी पार्टनर उपभोक्ता के पैसे ही लेकर भाग गया। एमपीटीवी इंडिया ने उपभोक्ता से एक्सक्लूसिव बातचीत की जिसमें उपभोक्ता ने बताया कि जोमेटो से खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया जिसका 180 रुपये का भुगतान कैश में करना था। उपभोक्ता ने फूड डिलीवरी पार्टनर को 2000 रुपये कैश दिए, जिस पर फूड डिलीवरी पार्टनर ने खुले पैसे नहीं होने का हवाला देते हुए खुले पैसे कराकर लाने का वादा किया। लेकिन उसी दौरान फूड डिलीवरी पार्टनर उपभोक्ता को फूड डिलीवर कर फरार हो गया। उसके बाद जब उपभोक्ता के बार बार संपर्क करने के बावजूद फूड डिलीवरी पार्टनर वापस नहीं आया तो उपभोक्ता ने जोमेटो कंपनी से संपर्क किया। इस दौरान देखने में आया कि पहले तो कंपनी ने मामले को सुलझाने का दावा किया, लेकिन जब उपभोक्ता को कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला तो एमपीटीवी इंडिया ने जोमेटो कंपनी के अजमेर मैनेजर से संपर्क किया, जिस पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव की दादागिरी देखी है कि उन्होंने इस मामले पर उपभोक्ता के अधिकारों और रुपए के लिए कुछ भी कहने से साफ साफ मना कर दिया। और तो और, वहां शिकायत करने पहुंचे उपभोक्ता के साथ बदसलूकी भी की। जो जोमेटो ऑर्डर मैंने आया था उसको पैसे दिए थे 2000 और उसके पास चेंज नहीं थे। उसमें बोला था ऑर्डर रख के आओ, फिर ऑर्डर रखने के बाद वो मैं बाहर गया तो चेंज वो था ही नहीं, 2000 लेके चल गया था। क्या नाम था उसका? कुछ पता? सुरेश नाम था उसका। फिर उसने क्या बोला आपको पैसे देने की? बोला था कुछ? उसने बोला कि आप ऑर्डर रख के आओ अंदर, तब तक अपन चेंज करा के लेके आते हैं, और बाहर गया तो था ही नहीं, वो 2000 लेके चल गया था। आप मैनेजर से आपकी मुलाकात हुई? हाँ, मैनेजर सपोर्ट कर रहा था हमारे को, बट वहाँ बोल ही नहीं रहा था, बोल रहा था 200 का नोट था और चेंज दे के गए। कौन सी कंपनी है? जोमेटो। आपका नाम? दिव्यांश। कैलाशपुर। हम लोग इनसे पोलाइटली बात करने गए थे कि ऐसी ऐसी बात हुई और हमारी ये है, तो इन लोगों ने हमें अंदर एंटर भी नहीं होने दिया। बोले कि आप लोग बाहर ही खड़े रहो, मतलब बदतमीज़ से बात करी कि आपको अंदर एंटर होने का कुछ नहीं है, ना आप अंदर आ सकते हो, बाहर ही खड़े रहो, ये वो, और इन्होंने बहुत ही बदतमीज़ से बात करी। कौन सी कंपनी है, कौन काम करते हैं? ये जोमेटो है, और जिनसे हमारी शिकायत है पेमेंट की वो है सुरेश नाम है उस बंदे का, और यहाँ के मैनेजर हैं वो भी, मतलब अपनी बाइट वगैरह कुछ देना नहीं चाह रहे थे। हम लोगों से मतलब बात ही नहीं करना चाह रहे थे वो लोग, और ना अंदर। हाँ, मतलब बोल रहे थे कि बाहर ही रहो, अंदर आना ही नहीं है, एक जने को आना है, वो भी तुम फोन वोन सब छोड़ दो तुम्हारे। क्या नाम था उस बंदे का? उस बंदे का सर नाम नहीं पता है मुझे। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम पूनम बरियानी। वारदात ऐसी हुई थी, हमारे पड़ोस में रहते हैं, इन्होंने एक ऑर्डर किया था जोमेटो से, तो जोमेटो से ऑर्डर करने का, जोमेटो का ऑर्डर तो आ गया था, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने 2000 रुपये का नोट दिया उसको, लेकिन रात का समय था तो उसने कहा मेरे पास चेंज नहीं है, तो एक काम करो आप ये ऑर्डर रख के आ जाओ और अपन ये 2000 रुपये का नोट चेंज करा के आपको पैसे दे देता हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है, जैसे ही अंदर गए वो पैसे लेके भाग गया। हमने कोशिश करी उसको फ़ोन लगने की, लेकिन उसका फ़ोन नॉट रिचेबल था रेगुलर। फिर इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि भाई एक बार आओ, हमारे साथ ऐसी वारदात हो चुकी है। तो मैं वहाँ इनके पास गया और इनसे पूछा क्या क्या हुआ, तो हमने फिर जोमेटो पर ट्राई करी, बहुत मुश्किल से जाके किसी रेफरेंस के थ्रू मुझे जोमेटो के किसी सीनियर के नंबर मिले। उसके बाद मैंने सीनियर से बात करी, उसने मुझे सपोर्ट किया, उसने मुझे बताया कि जो बंदा आया ये बंदा हुआ क्या, आप इसको व्हाट्सअप पे मुझे भेजा कि ये बंदा वही है क्या, तो मैंने कहा ठीक है एक बार देख लेता हूँ। तो इसने कंफर्म किया हाँ यही बंदा आया था और यही वो 2000 रुपये का नोट लेके गया, और हमें नंबर भी प्रोवाइड कराया उस बंदे के। हमने जब उससे बात करी तो उसने साफ कहा कि मैं तो 2000 लेके नहीं गया, 200 रुपये लेके चले गया। तो हमने कहा जब तू लेके गया तो 200 का चेंज कौन देगा, तो वो ये बता ही नहीं पाया हमें, बोले मैं तो ऑफिस आके मिलूंगा। हमने कहा ठीक है ऑफिस आके मिल। आज हम 6 तारीख से आज हम लोग यहाँ पे आए और ऑफिस में उससे मुलाकात करी, तो वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, वो नहीं बोल रहा कि मैंने पैसे लिए, और वो कुछ सच्चाई भी कबूल कर रहा है और उसको उठला भी रहा है। वो जोमेटो के जो मैनेजर है वो हमें सपोर्ट कर रहे थे इसी को लेके, लेकिन अभी वो भी कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, अभी हाँ ही नहीं भर रहे, जबकि वो खुद मान रहे इस चीज़ को कि हाँ इसने झूठ बोला है। अजय सिंह।